हम कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं, और दूसरा टोला कहता है वो तो हम जैसे बशर हैं। बशरियत अब्दियत ये कुरान का फैसला है, हम सब इस पे यकीन रखते हैं, आयात है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं कि अबद हो तो फिर नूर ना हो, बशर हो तो फिर नूर ना हो। हम जैसे अबद मट्टी के हैं और बशर मट्टी के हैं, लेकिन उधर तो फरिश्तों को भी अबद कहा गया, कुरान में फरिश्तों को भी बशर कहा गया, और फरिश्ते तो नूर के हैं। अब आम तौर पर लफ्ज़ अबद या बशर पढ़कर ये कुछ लोगों की सोच होती है, लोली लफ्ज़ अबद मिल गया है तो अबद तो वो भी अबद हम भी अबद, लफ्ज़ बशर मिल गया है हम भी बशर वो भी बशर, तो माशाल्लाह मामला एक जैसा ही है। अल्लाह ने अपने अज़ली कलाम में, चूंकि वो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, उसे पता था कि इस वजह से कुछ लोगों में गुमराही फैलेगी, तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इस मौके पर लफ्ज ही वो इस्तेमाल किया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ना ये कहा असरा बिनबीयिही, ना ये कहा असरा बिरसूलिही, ना ये कहा असरा बिमुहम्मद, ना ये कहा असरा बिअहमद। रब्बे ज़ुल जलाल ने असरा बिअब्दिही कहकर वाज़े किया, लोगों लफ्ज़े अबद से तुम्हें मुगालता नहीं लगना चाहिए, तुम भी अबद हो ये भी अबद है, मगर फर्क कितना है, तुम्हारी अब्दियत गलियों में चक्कर लगाती है और इनकी अब्दियत सरे अर्श जा बैठती है। और ये सिदरा पर जिब्रील ऐलान कर रहे हैं कि ये अबद ही बेमिसल नहीं, ये तो नूर भी बेमिसल है। जब कहते लौ दनौत अनमुलतन लहतरक, तो अगर एक पोटा एक कोरा भी मैं आगे गया तो अल्लाह के अनवार की शिद्दत से मैं जल जाऊंगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर उनका यह अकीदा होता कि इनका नूर मेरे नूर जैसे ही है, तो कहते ना मैं जा सकता हूं ना आगे आप जा सकते हैं, लेकिन जिब्रील कहते मैं नहीं जा सकता, आगे रास्ते आप ही के लिए हैं। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते कि जिब्रील तुम नहीं जा रहे तो मैं कैसे जाऊं, मेरे नूर को भी फिर खतरा है, तुझे खतरा है तो मुझे भी खतरा है। सरकार फरमाते अल्लाह का मिन हाजा, जिब्रील बताओ तुम्हारा कोई काम है तो वो भी करा के मैं आऊंगा। और फिर जब वापस आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे थे मैं जल जाऊंगा, और सरकार जब करोड़ हाथ जलवे अपने पैकर पर वसूल करके वापस लौटे तो बदले रसूल अलैहिस्सलाम तो अपनी जगह सर पे इमामा भी सलामत रहा, बदन पे जुब्बा भी सलामत रहा। अब्दियत को मेराज करा के रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया जिनकी अब्दियत इस पाए की हो उनकी नबूवत और रिसालत का दर्जा क्या होगा। यानी जो आज कुछ लोग आके सहारा लेते हैं, कहते हैं कि हम जो उनको कहते हैं ना हमारी जैसे हमारे जैसे हैं, हम नबूवत के लिहाज से अपने जैसा नहीं मानते, नबूवत में तो उन पे वाहज उतरती थी हम पे नहीं उतरती, वो नबी थे हम नबी नहीं, तो इस लिहाज से हम भी उनको बेमिसल कहते हैं, लेकिन उनका भी जिस्म हमारा भी जिस्म, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, वो भी अबद हम भी अबद, वो भी बशर हम भी बशर, इस लिहाज से माशाल्लाह हम उनको अपने जैसा कहते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इसी वजह से ही लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही बिला तशबीह व तमसील। एक वो इंसान जो पीएचडी
की डिग्री रखता है लेकिन उसको कोई मनसब ऐसे के लेवल पर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये तो सीट अगरचे बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन ये तो अभी इसके ऐसे होने का लिहाज है। बीए होने का होगा तो और बड़ी होगी, एमए होने का होगा तो और बड़ी होगी, पीएचडी का लिहाज होगा तो और बड़ी होगी। तो रब्बे सुल जलाल मौसाए मेराज जिस पर क्यामत तक अकले हैरान रहनी थी, अल्लाह ये वाजे करना चाहता था वनल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, कि इसे सुनकर कोई ये ना समझे कि जो रब ने देना था इन्हें दे दिया और बात खत्म हो गई। फरमाया ये तो इनकी अब्दियत का एहसास है, जिनकी अब्दियत को यूं नवाजा जाए कि अर्श पे लाया जाए, उनकी नबूवत का एहसास क्या होगा और रिसालत का एहसास क्या होगा। लिहाजा महज फर्क ही अब्दियत का वादे कर दिया कि ये वो अब्दियत है कि जो करोड़ हाथ जलवे इस पे पड़े फिर भी से खराश भी नहीं आता, और उधर दूर पे एक जलवा गिरे जालहू दक्का उसको रेजा रेजा कर दे, ये कुरान कहता है। हालांकि तूर अर्श पे नहीं गया था, ना अर्श तूर पे आया था, एक जलवा वहां से चला और तूर पे पहुंचा, उसको भी तूर पहाड़ अपने पहाड़ होने के बावजूद शिद्दत और सख्ती के बावजूद बर्दाश्त ना कर सका। और इधर सरकार खुद तूर पे पहुंचे, खुद अर्श पे पहुंचे और काबा कौशैन की उन वसअतों के अंदर रब्बे जुल जलाल का जाकर दीदार किया। माजागल बसर व माता, इस हद तक टिकटिकी लगा के ऐने जात को देखते रहे, तू रेजा रेजा हो गया, हजूर जाके पास भी मुस्करा रहे हैं और रब फरमा रहे हैं सलाम याब दे ही, ये करोड़ हा जन्मों के आगे जो मुस्कराहट है ये अब्दियत की है, तो इनकी अब्दियत को अपने जैसा मत समझना। दूर का मामला और है, हजूर का मामला और है।